तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा अभी आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा वैसा ट्रेंडिंग बर्थडे स्टेटस वीडियो हम एडिट करने वाले हैं तो इस तरह की वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो का पूरा कंप्लीट जरूर से देखें ताकि आपको इस वीडियो को बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं तो इस वाली वीडियो को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर मेरे कुछ इमेजेस की जरूरत पड़ेगी जो कि मैंने आपको एक फ्रेम में बना के दी हुई थी उन फ्रेम को डाउनलोड करने के लिए आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने का जो मटेरियल्स का लिंक है उस वाले लिंक पर आपने क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे उस वाले लिंक पर क्लिक करोगे इस तरह से एक पेज ओपन होगी गूगल सर्च की यहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा आर्टिकल का टाइटल है ब्यूटीफुल फ्रेम बर्थडे वीडियो ट्यूटोरियल इट्स रियल रिलटेड फ्रेंड्स तो इसका टाइटल आप यहाँ पे देख लीजिए इस वाले आर्टिकल के अंदर इस वीडियो से रिलेटेड सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे इस आर्टिकल को आप ओपन कीजिए और आर्टिकल में से डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत होती है तो हाउ टू गेट माई मटेरियल्स की वीडियो मैंने दी हुई जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उस वीडियो को आप देख लीजिए उसके बाद यहाँ से बैक आइए डाउनलोड करके फिर काइन मास्टर को ओपन कीजिए प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए नाइन इंटर सेक्शन का एक नया प्रोजेक्ट ओपन कीजिए यहाँ से आपको इमेज एसेट पे जाके कोई भी एक बैकग्राउंड जिसके ब्लैक कलर बैकग्राउंड आप ले लीजिए फिर इस तरह से स्टार्ट स्टार्टअल पॉइंट पे आइए इसके बाद आपको यहाँ पर लेयर पे जाना है मीडिया पे जाना है मैंने जो फ्रेम दी हुई अलग अलग उसमें से कोई भी एक फ्रेम आपको सबसे पहले यहाँ पर ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे कोई भी एक फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ फ्रेम को ऐड करोगे कुछ इधर से आ जाएगी फिर यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे जाइए और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए अब यहाँ पर देखिए इस जो ये फ्रेम है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे यहाँ से आपको नीचे आना है आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का जाना है ब्लेंडिंग पर जाकर इसको स्क्रीन कर लेना है अब यहाँ पर ये जो फ्रेम है इसमें आपको तीन अलग अलग फोटो के ऑप्शन मिलेगी इस तरह से मैंने बहुत सी अलग अलग दी है किसी में दो है किसी में एक है किसी में तीन है तो इनमें आपको फोटो ऐड करने होगी जिसके लिए आप ये वाली वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है फोटो ऐड करने के लिए आपको लेयर के ऑप्शन पर जाना है फिर मीडिया के ऑप्शन पर जाना है और जिसके लिए भी आप ये वाली वीडियो बना रहे हैं उसकी कोई भी एक फ़ोटो होगा पहले ऐड कीजिए अब फोटो को ऐड करने के कर बाद फोटो की साइज को ये जो फ्रेम है उसके फ्रेम के जितनी साइज आपको पहले कर लेना ठीक है इस तरह से आप देखिए जो फ्रेम की चौड़ाई उतनी कीजिए फिर तीन डॉट पे जाइए यहाँ पे और सेंड टू बैक कीजिए अब देखिए फोटो ऊपर नीचे थोड़ी सी यहाँ पे देखिए बाहर आ रही है साइड में थोड़ी सी बाहर आ रही है तो आपको क्या करना है इसको क्रॉप करना होगा तो क्रॉप करने के लिए पहले तो इसकी साइज़ आप एडजस्ट कीजिए इस तरह से एडजस्ट होने के बाद ऊपर नीचे जो है उसको क्रॉप करें क्रॉपिंग के ऑप्शन पर जाइए और इसको इस तरह से क्रॉप कर लीजिए ठीक है जहाँ जहाँ फोटो बाहर आ रही है वहाँ से आप इसको क्रॉप कर लीजिए जैसे कि

अब यहाँ पे आपको रिप्लेस का ऑप्शन होगा रिप्लेस पे जाना है अब मैंने जो अलग अलग फ्रेम दी है उसमें से दूसरी कोई भी एक फ्रेम आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ले लीजिए तो यहाँ पे देखिए फ्रेम रिप्लेस हो चुका है अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्रेम है और फोटो हमारे पास तीन है तो तीन में से दो फोटो को हम डिलीट कर लेंगे अगर आपके पास दो फ्रेम है तो आपको दो फोटो को रखना है एक है तो एक फोटो को रखना है ठीक है अब फोटो जो बचा है उस पर क्लिक करना है एक इस एक फ़ोटो को इस एक फ्रेम में लेके आना है फिर से रिप्लेस पर जाना है और अब आपको अपने फ्रेंड की या जिसके लिए आप ये वाली वीडियो बना रहे हैं उसके दूसरे कोई भी एक फोटो को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्रेम है तो कोई भी एक फ़ोटो को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ओके फोटो सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगी अब इसको घुमा लीजिए जी जिस तरह का फ्रेम है उस तरह से आपको रोटेट करके इस तरह से अच्छे से फ्रेम के अंदर बीच में ले लेना है ठीक है तो हम इसको ले लेते हैं अगर फोटो बाहर जाती है तो क्रॉपिंग पर आप क्रॉप कर सकते हो फोटो को एडजस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर जाके कैप्चर एंड सेव कर लीजिए तो दो फोटो तैयार है इसी तरीके से आपको सभी में करना है फिर भी मैं आपको एक और में दिखा देता हूँ फिर से आप यहाँ पर फ्रेम वाले ऑप्शन पर जाइए फ्रेम वाले लेयर पर फिर इसको रिप्लेस कीजिए फ्रेम को अब फ्रेम को रिप्लेस करने के बाद जो भी फोटो है उस फोटो लेयर पर आप क्लिक कीजिए जो भी बचा है उस फोटो पे, और इस फोटो को कोई भी एक फ्रेम में आप सेट कीजिए ठीक है जैसे कि यहाँ पे दो है तो हमें दो अलग अलग फोटो को करना होगा पहले इस एक फोटो को हम ऐड करेंगे इसको भी हम रिप्लेस करेंगे ठीक है तो पहले इसको अच्छे से इसके जितना कर लीजिए उसके बाद रिप्लेस पर जाइए दूसरी कोई भी फोटो आप यहाँ पर ऐड कीजिए अपने फ्रेंड की है जिसके लिए वीडियो बना रहे उसकी अब फोटो को सिलेक्ट करने के बाद देखिए एक और चीज़ है कि अगर फोटो इस तरह से क्रॉप हो रही है देखिए इसका गर्दन कट रहा है तो आपको फिर से क्रॉपिंग पे जाना है और इसको इस तरह से नीचे ले लेना तो एकदम परफेक्ट यहाँ पे आ जाएगी अब दूसरी यहाँ पे एक और फ्रेम है तो दूसरी फोटो में ऐड करने को तो लेयर पर जाइए मीडिया पर जाइए और दूसरी कोई भी एक फोटो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर फोटो ऐड हो होगी इसके बाद हम सेम प्रोसेस करेंगे जो कि हमने पहले किया था पहले इसको फ्रेम के साइज़ के जितना आप रखेंगे इसके बाद उस तरफ तीन रोड पर जाकर सेंड टू बैक कीजिए और यहाँ से क्रॉपिंग पे जाइए और ऊपर नीचे का जो भी पार्ट है उसको आप क्रॉप कर लीजिए तो इस तरह से आप जितनी भी अलग अलग इमेज बनाना चाहते उतनी आप बना लीजिए ठीक है इस तरह से बनाने के बाद कैप्चर पे जाओगे और कैप्चर एंड सेव कर लोगे ओके तो ये इस यहाँ पे कैप्चर पे जाइए और कैप्चर एंड सेव कर लीजिए इस तरह से आपको जितने भी बनाने इतने बना मैंने छः सात दी हुए हैं फ्रेम इस तरीके की तो आपको छः सात इस तरह से इमेजेस पूरी बना कर बना के तैयार कर लेनी है इसके बाद अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है और फिर आपको नाइन इंटरसेक्शन का एक और नया प्रोजेक्ट ओपन करना है उसके बाद आपने जितनी भी इमेज कैप्चर करी उन सभी इमेजेस को आपको सिलेक्ट करना है जैसे कि मैंने आपको पहले से कुछ बना के रखी हुई थी और तीन अभी मैंने बनाई है तो उन सभी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ओके तो आपको मैंने छः सात अलग अलग दी हुए तो सभी में आप बना लीजिए तो आपकी तीस सेकंड की वीडियो बन जाएगी इसके बाद स्टार्ट वाले पॉइंट पर आइए देखिए मैंने यहाँ पे सभी अलग अलग फ्रेम के कुछ इस तरह से कैप्चर करके बनाई हुई आपको भी इस तरह से बना लेना है फिर स्टार्ट वाले पॉइंट पर आना है अब यहाँ पर ये जो आपकी इमेज है उसके दो पार्ट आपको करने थे एकदम बीच में से इसको कट लगाना है तो जहाँ पर आप इसका एकदम बीच वाला पार्ट आता है वहाँ पे आ जाइए फोटो लेयर पे क्लिक कीजिए ऊपर की के तरफ कैंची का ऑप्शन है वहाँ पे जाइए ओके और इसको स्प्लिट कर लीजिए ठीक है यदि इसके दो पार्ट हो चुके इसी तरीके से दूसरे पर भी जाना है इसके भी एकदम बीच वाले पार्ट पर आपको आना होगा तो इस पर आप क्लिक करेंगे बीच वाले पार्ट पर आ जाइए कैंची के ऑप्शन पे जाइए और स्प्लिट कर लीजिए इसी तरीके से आपने ये जितनी भी फ्रेम आपने ऐड की है उन सभी के आपको इस तरह से एकदम बीच में से दो दो पार्ट कर लेने हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी के दो दो पार्ट कर लिए हैं इसके बाद अब आपको यहाँ पर एक क्लिप ग्राफिक्स की ज़रूरत होगी तो उसके लिए आपको क्या करना है इमेज लेयर पे क्लिक करना है यहाँ पे फिर क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है यहाँ पे स्टोर के ऑप्शन पे जाना है ये स्टोर होगा वहां पे जाना है और अपना डेटा आपको ऑन रखना है डेटा ऑन रखने के बाद आपको सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे एनिमेशन का ऑप्शन होता है उस वाले एनिमेशन के ऑप्शन पे जाना है इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दो एनिमेशन आपको इंस्टॉल करना है, है फर्स्ट वाला जो है आउट एनिमेशन ठीक है तो आउट एनिमेशन जाइए इसको यहां से इंस्टॉल कर लीजिए फिर यहां से बैक आ जाइए जैसे इंस्टॉल जाए बैक आ जाइए फिर इन एनिमेशन पे जाना है तीसरे नंबर का इस पर जाना है और इसको भी यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है और फिर यहाँ से बैक आ जाना दोनों इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से बैक आ जाइए उसके बाद जो फर्स्ट वाली आपकी फ़ोटो रहेगी उसमें आपको ये वाला फर्स्ट वाली फ़ोटो पे आपको इन एनिमेशन लगाना इन एमेशन में आपको तो तो यहाँ पर दस नंबर का और मिलेगा दस नंबर वाला आपको यहाँ पर इसको अप्लाई करना।, इस करना है दस नंबर वाला लगा दीजिए तो फर्स्ट वाली जो फोटो रहेगी उसमें दस नंबर का आप लगाएंगे उसके बाद इसी फोटो का जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको क्लिप ग्राफिक्स पर जाना है और आउट एनिमेशन में जाना है आउट एनिमेशन का आपको यहाँ पर उन्नीसवें नंबर का ठीक है यहाँ पे उन्नीसवा नंबर का जो है वो एनिमेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है ये वाला इसको आप अप्लाई कर लीजिए तो जैसे अप्लाई करोगे यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी फर्स्ट वाली फ़ोटो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी होगी okay? तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ ये इस तरह से आएगा और इस तरह से ये खत्म होगा अब आपको सेम यही प्रोसेस सभी में करना है फर्स्ट वाले पार्ट में क्लिप ग्राफिक्स में जाके इन एनिमेशन का टेन uh, नंबर लगाना ठीक है इन एनिमेशन का टेन नंबर का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट आपको यहाँ पे लगाना है उसके बाद इसी फोटो का जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें आउट एनिमेशन का नाइनटीन नंबर वाला लगाना है ओके तो यहाँ पे हम जाएंगे आउट एनिमेशन में जाएंगे जो कि ऊपर की तरफ है और इसमें हम 19 नंबर का लगा देंगे तो इसी तरीके से आपने जितनी भी ये वाली फ्रेम ऐड की है फोटो वाली उन सभी फोटो में सेम यही प्रोसेस आप कर लीजिए स्टार्ट वाले में आपको इन एनिमेशन का 10 नंबर और एंड वाले में आपको आउट एनिमेशन का 19 नंबर तो सभी में आप ये कर लीजिए मैं फटाफट से सभी में कर लेता तो बाद में आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर मैंने सभी फ्रेम में इस तरह से एनिमेशन लगा दिए हैं मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से आएगा ठीक है ये इन एनिमेशन का है फिर आउट एनिमेशन का है और इसके बाद दूसरी फोटो में इन एनिमेशन का फिर आउट एनिमेशन का ठीक है एकदम परफेक्ट आपकी ये वीडियो इस तरह से बनकर तैयार होगी अब आपको इसमें साउंड ऐड करना है तो स्टार्ट वाले पॉइंट पर जाइए ऑडियो के ऑप्शन पर जाइए फिर जिस भी फोल्डर में आपके सॉन्ग है उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको सॉन्ग को सिलेक्ट करना है जिस भी सॉन्ग को आप इस वाली वीडियो में ऐड करना चाहते हैं ओके तो कोई भी सॉन्ग को आप सिलेक्ट कर लीजिए सॉन्ग सिलेक्ट करने पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो सॉन्ग ऐड हो जाएगा इसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है और वीडियो को आपको प्ले करके देख लगा एकदम परफेक्ट आपकी वीडियो इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी जैसे वीडियो बनके तैयार होती है वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए उम्मीद करता हूं आप सभी को आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी होगी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से करें